व्हाट्सअप गाइस, कैसे हम सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो गाइस, अभी जो है हम लोग रात के टाइम है और हम लोग का दिल चल रहा था पापड़ खाने का, तो मामू पापड़ चल रहे हैं, कल मामू की छुट्टी है तो इसलिए हम लोग अभी तक जाग रहे हैं। वरना यहाँ की जो रूटीन है ना, 10 बजे कोई बाहर नहीं होता। अभी मैं आपको बाहर का माहौल दिखा दूँ, कैसा अंधेरा हो रहा था सर। वो पापड़ चल के भी जाएँगे खाएँगे। तो ये व्लॉग अभी मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया, ये कल तक रहेगा, मतलब कल की रूटीन भी मैं आपको दिखाऊंगा। कल बाहर का थोड़ा सा घूमेंगे, तो खैर अभी बस पापड़ का वेट करते हैं, पापड़ आ रहे हैं। जब तक तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ सर। अभी ठंड भी बड़े मज़े जाने वाली है। मैं भी जो है रूम से बाहर आ गया हूँ और मैं भी आपको यहाँ छत से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। बाहर सामने घर भी एक सजा हुआ है। बाहर आप सन्नाटा देखेंगे, कुछ भी नहीं है बाहर, सन्नाटा ही सन्नाटा है। कोई बाहर एक लड़का भी नहीं है और हमारी तरफ का आपको यू बताइए कि हर कोई बाहर ही होता है सर। तो अभी पापड़ चल रहे हैं, बस पापड़ आने वाले हैं, थोड़ी देर खाएंगे। ये पापड़ हमारे जो है चलना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़े बहुत हो भी चुके हैं क्योंकि इस पर गैस नहीं होती है। और हमारे मामू आए क्योंकि हमारे इस वक्त जो है ना गैस चली जाती है। कराची में भी ये सिस्टम है, इधर भी, और यहाँ पर भी गैस चली गई तो सिलेंडर में पकवा लेते हैं। रेडी होके आते हैं और ये रखे हुए पापड़। टाइम देखिए इस वक्त 11:30 हो रहे हैं और पर हमने जो है खाली हैं, बिल्कुल खाली हो चुका है। ये लो केचप मैंने यहीं रख दिया था, ये अभी डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये डस्टबिन आ गया, इसको अब समेट लेते हैं। अब इसको रख देते हैं इसकी जहाँ जगह है। तो वह सब सामान जो अभी इस वक्त हमने समेट दिया है और अब इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। तो अब इन शाला मिलेंगे सुबह, सुबह वगैरह बाहर वगैरह अभी घूमेंगे इन शाला सुबह। तो गाय अभी जो है हम लोग सो के उठ गए और जो है तकरीबन 12 बज रहे हैं क्योंकि मैं सुबह उठा था फजर में और मैंने उसके बाद नमाज़ पढ़ी थी, यासीन पढ़ के मैं फिर सो गया था। नाश्ता भी और फिर अभी तेल लगवाया मामी से, तो बस अभी फिर नहाते हैं और जुम्मे का दिन है, जुम्मा पढ़ के आते हैं। और आज फिर हम लोग जा रहे हैं टोबे अपनी मामी को छोड़ने, और शायद मैं भी वहाँ रुक जाऊँ। तो अभी फिर टोबे भी जाना है मामी को छोड़ने, दो मामियों को छोड़ने जाना है। तो अभी फिर बस थोड़ी देर तक, 3 बजे तक तकरीबन कार आ जाएगी, कार पर जाएंगे मामी को छोड़ने। फिर अभी जब तक नहा लेते हैं हम, जुम्मा पढ़ के आएंगे उसके बाद जाएंगे। अभी जो है मुझे फिर जाना पड़ेगा अपनी खाला के घर, क्योंकि खाला के घर मेरे सारे कपड़े, वहाँ से मैं कपड़े लूँगा क्योंकि ये 2 दिन हो गए मैंने पहने हुए। और अभी वहाँ जाते हैं खाला के घर बाइक पर, मेरे पास बाइक भी है इधर, तो अभी चलते हैं खाला के घर। तो वहाँ से फिर मैंने कपड़े लेने, पैंट कोट वगैरह, क्योंकि मैंने पीर को जो है शादी में भी जाना है मामू के साथ, वो भी दिखाऊँगा आपको वहाँ की शादी। बस अभी बाहर जा रहे हैं और चाबी भी ले लेंगे, चाबी ले लूँ बाइक की, फिर उसके बाद बाइक निकालते हैं। अंदर आ रहे तो भाई जान चाबी ले लिए और अब बाइक, ये अपनी बाइक खड़ी है ये वाली, ये बाइक निकालनी है और फिर बाहर निकालना है इसका। मामू जो है गाड़ी निकाल लें भाई, ये भी बाइक मामू ने अपनी निकाल ली है, मामू ने अपनी बाइक निकाल ली है, मैं अपनी निकाल लूँ। थोड़ी सी गंदी हो रही है तो कपड़ा यहाँ से निकाल के इसको थोड़ा सा झाड़ लेते हैं। बस अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी जाना है क्योंकि जो है ना आज अचानक से बना है प्रोग्राम जाने का टोबे, तो इसलिए बस फटाफट खाला के घर जाना है। खाला को भी नहीं पता मैं आ रहा हूँ, वहाँ से कपड़े लेने हैं फटाफट, बाइक तो साफ हो गई है, अब इसको रिटर्न यहाँ पे रख देते हैं। चाबी ऑन है बस, अब भाई जान सामने जो है ना एक घर में शादी थी, तो वो मतलब वहाँ देखे बन रही है बाहर, आज वलीमा है, यहाँ पे दिन में होते हैं शादियाँ, तो वलीमा है आज। अभी वो सामने देख बन रही है, वो अंकल बैठे वहाँ पे, जैसे हमारी तरफ चारपाई पे काट वाट रहे होते हैं तो वो सब काट पीट रहे हैं। अभी बाइक करते हैं स्टार्ट। गेट बंद करना मैं भूल गया, गेट बंद कर देते हैं पहले। कर लेते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट, भाई अब चलते हैं अपनी खाला के घर, चलो। Thank you.
तो भाई खाला का घर जो आ चुका है और थोड़ी देर बैठूंगा बस, फिर वापसी नए शहर। बाइक मैंने जो अपनी यहाँ पार कर दी है, मंसूर अंकल की बाइक है, मतलब खालू की। तो कब तो भाई जान शादी के लिए वलीमा था, तो मैंने ये पैंट को ये कोट निकाल लिया है और पैंट जो है वो अभी अंदर पैंट भी निकाल लेते हैं। ये रहे मेरे सारे कपड़े, सब फैले हुए पड़े हैं, मैंने बस यहाँ पे ही पैंट है वो निकाल। तो भाई ये मैंने अपना ये कपड़ा निकाल लिया, अक्सर रात में जो है ना ठंड हो जाती है तो पहन लेंगे। और ये मेरी कोट के नीचे की शर्ट वाइट, इसके साथ ये ब्लैक पैंट ये निकाल ली है, और एक बनियान और एक मैंने शर्ट, बाकी दो पैंट तो मैंने वहाँ निकाल लिए हैं और एक शर्ट। इतने ज़्यादा कपड़े क्या करने, दो तीन दिन तो रुकना है टोपे में। ये सब हो गया, बस इसको शॉपिंग डालेंगे और फिर रिटर्न घर। भाई जान मेरे ग्लासेस ये ऐसे ही हैं आर्टिफिशियल, ये भी इन्हीं के साथ कोट के साथ पहनूंगा। वो जो है वो एंट्री गेट है और ये सारा खाला का सहन, ये देखें कितना बड़ा सहन है। खाला का किचन और ये स्टोर रूम है खाला का, यहाँ पे सारा सामान वगैरह पड़ा है। और ये खाला की पूरी गैलरी, वो आ गए रियाद भाई। ये रूम है, इस रूम में मेरे कपड़े हैं वो अलमारी के अंदर। और सेकंड रूम ये रहा, ये भी बहुत बड़ा है, अभी इसलिए अंदर नहीं जा सकते यहाँ की। फिर आपको दिखाता हूँ मैं बैठक, सॉरी डाइनिंग टेबल, फ्रिज और ये सब। ये ज़ियाद की बर्थडे मनाई थी। और ये आ गया भाई बैठक, ये बैठक है खाला की, मतलब ये गेट है, यहाँ से कोई बाहर से आता है मेहमान, किसी की दोस्त या, तो वो डायरेक्ट यहीं से इंटर हो जाते हैं। और ये गेट बंद कर देते हैं धूप की वजह से। और एक सोफ़ा, ये दो तीन चार पाँच छः सोफे हैं और एक टेबल, और ये यूकेस लगा हुआ है। लाइट जो है इधर बहुत कम जाती है वैसे, और लेकिन ये है कि कभी कभी जाती है तो ज़रूरत पड़ जाती है यूकेस की, तो ये चार्ज होता रहता है और बहुत कम ही होता है यहाँ, लाइट कम जाती है इसलिए। सेकेंड ईयर ज़ियाद भाई आ गए दूध निकालने, आ रहा हूँ। तो अब जो है चलते हैं दूध पीने, अपना दूध पी लेते हैं। और भाई जान ये आ गया अपना दूध, अब इसको फटाफट पी रहे हैं और उसके बाद शॉपर में डालने कपड़े। दूध पी लिए हैं, अब किचन में रखते हैं। यार ये दूध का ग्लास आप अपने कमरे में कब तक पैक करें। ये अपना शॉपर, इसके अंदर डालेंगे कपड़े सारे खाली। मैंने अब अपने निकाल लिए हैं शूज़ भी, जो पैंट कोट के साथ पहने, ये दोनों हैं अभी गंदे हुए, वापसी रख देते हैं। तो भाई जान दो हो गए शॉपर रेडी। तो भाई अब हम जो है जाने लगे हैं अपने नए शहर, वो अक्सर से नए शहर की तरफ। और बाइक जो है चाबी भी लगा लेते हैं, ये रही चाबी। चलो भाई चलते हैं और उसके बाद जाएंगे टोल के लिए। मैं घर जो आ गया हूँ, अब सब तैयार होना है और फिर जुमा पढ़ के आना है। खोलो जल्दी से गेट खोलो। तो गए अभी हम लोग जो है तैयार हो गए और मैं अब जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, टाइम हो गया 2 बजे जमात थी और सारा कितना 5-10 मिनट रह गए, तो बस अब नमाज पढ़ेंगे उसके बाद फिर आपको नमाज के बाद मिलते हैं। तो भाई जान अभी मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ और अब जो है नीचे आ गई है गाड़ी, और ये मैंने सामान और पीछे बैग लटका लिया, तो बस अब नीचे हम लोग जा रहा हूँ। मैं नीचे कार बाहर खड़ी है, कार मामू ने अपने दोस्त की मंगवाई है, मामू का दोस्त लेके आया है कार अपनी, तो उस पर जाएंगे साथ में। मेरी दोनों मामियाँ, पहले एक मामी को छोड़ना टोपे फिर दूसरी मामी, दो मामियाँ टोपे में ही रहती है, तो चलो भी चलते हैं। मेरी आ गई है मामू के दोस्त की कार, इसमें जाएंगे हम लोग टोपे, और हमारे मामू के दोस्त
मामू रख रहे हैं सामान सारा। मामू ये रखें साथ में, हमारे ये भी जा रही है माम और माहीन, और हमारे साथ ये भी जा रही है माहीन। माहीन और माम मेरे दूसरे मामू की बेटी है मजर मामू की, जो मेरे साथ वहाँ मछली पकड़ने गए थे मछली लेने। अभी जो हम जा रहे हैं यासर मामू के घर जा रहे हैं, यासर मामू के ससुराल जा रहे हैं। अभी सामान रख दिया सारा, मैं नीचे आ रही है मामी, मामी बैठेंगी पहले, फिर हम लोग सारे बैठेंगे पीछे, मामी होंगे और मैं आऊँगा पीछे। शहरों गांव पहुंच गए हैं, टोबा टैक्स एक सिटी है और हम एरिया में है शहरों। ये रूमी रूम ऐसा कि नानी के घर आ गए हैं कि मामी को छोड़ दें, मामी को छोड़ दिया। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी यासिर मामू के, वो यासिर मामू उनके ससुराल जाएंगे। अभी हम लोग आए मदर मामू के ससुराल, वो गाड़ी पार्क कर दिए और यासिर मामू और उनके जो फ्रेंड हैं वो पता नहीं कहीं जा रहे हैं। और ये रहा घर इनका, माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर है। रूम ही जाना है, अंदर नहीं जाना? नहीं मैंने भी अंदर जाना। क्यों? मोबाइल लेके जाऊंगी। चलो अंदर। हाँ चलो अंदर। हमारे ये इनकी नानी का घर और ये बहुत खुश है नानी घर आके। हम लोग अंदर से मतलब मिल लिए हुए हैं सबसे और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक लिए, मैं बाहर अपनी भी बाहर लेके आ रहा हूँ और मामू और उनके फ्रेंड की भी मैं लेके गया था, लेकिन मामू लोग अपने वो दोस्तों के साथ वहीं दुकान पर जाके पीने लग गए, मैं अपने यहाँ पीने लग गया हूँ। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ का एरिया दिखाऊं। मैंने जो है अभी कोल्ड ड्रिंक पी ली है और अब आपको मैं यहाँ का थोड़ा सा आसपास का एरिया दिखाता हूँ। हैं झूठ बोल रहे हैं, थोड़ी सी फेंकी है वो एंड की बची है, वहीं करीब ही जाके देखते हैं। ये खेल रहे हैं भाई जान अपना ट्रक ट्रक से गेम। और ये है इनकी नानी का पूरा घर, ये नानी का है और वो उनके चाचू का घर है। और एक ये रोड है, उसके आगे मतलब एक ये रोड है और एक ये रोड है और ये इनका घर और ये अपनी कार खड़ी है। थोड़ी देर और 10 से 15 मिनट में हम लोग फिर बस मिल मिला लिए अंदर और फिर हम लोग भी यहाँ से निकलने गए। तो भाई मामू के घर से थोड़ा सा आगे यहाँ एक बेकरी है, उनकी दोस्त की दुकान है और ये दिखाता हूँ, यहाँ पर बिस्किट अभी बन रहे हैं। ये बिस्किट है केक रस, ये रेडी हुआ आगे जाने के लिए। और ये भाई एक तरतीब से लगा रहे हैं केक के अंदर और इन्होंने भी लगा दी है वो वाली बिस्किट की तरह। और इस मशीन में जो है बिस्किट बनते हैं, ये यहाँ पे जो है ये बिस्किट तैयार हो रहे हैं ना, केक रस
भाई जान ये केक रस इधर तैयार हो रहे हैं इस मशीन के अंदर, और ये इनके आटे गूंदने की मशीन, और बाकी ये सब मशीन अभी चल रही है और उन्होंने बंद कर दिया अभी कुछ वक्त निकाल। फिर से दोबारा चला दी मशीन एक निकाल के, बाकी ये सारे रखे। अभी हम लोग जो है पहुंच गए मामी के घर, गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी और मैं गली के अंदर जा रहे हैं क्योंकि गली में गाड़ी नहीं जा सकती थी। अब हम लोग फिर जाएंगे और मामी अभी घर पे बताया हुआ कि नहीं सरप्राइज देने वाले ड्राइवर के लिए, मैं लेके जा रहा हूँ अभी कोल्ड ड्रिंक। बाहर आ गए मामी वगैरह को सब खाना वाना खा के, अब जैद भाई है वो हमें लेके छोड़ा है ना। तो मैं अभी जो है हम लोग यहाँ पार्क सिटी के एरिया में, मतलब वहाँ पे मैं घूम के आ गया हूँ। जैसे अपने एरिया होते हैं ना फेस वन फेस टू डिफेंस के, इस तरह के यहाँ पे एरिया पे पार्क सिटी है और एक और एक क्या, तो वहाँ से भी हम रात के टाइम में तो खैर वीडियो तो बना नहीं सकता। अब तो अभी बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, और ये साल हमारे नदी है छोटी सी, ये नहीं नज़र आएगी इस वक्त, ये नदी है छोटी सी और वो है, वो क्या है आर क्लास। बस ये है वो एरिया जो क्लर्क क्लास बता रहा था, इसका मेन एंट्री गेट ये है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मैं भी घूम करके आ गया हूँ, और मैं उस्मान भाई, ये उस्मान भाई है और ये है अहमद भाई, ये और जैद भाई, वो भी शॉर्मा लेने गए, शॉर्मा लेके आएंगे उसके यहाँ पे शॉर्मा। वो जैद भाई जो है शॉर्मा ले रहे हैं उनसे, और पता नहीं कितने लेने गए हैं, दो तीन या मेरे लिए खाली, बस वो ले रहे हैं फटाफट। शॉर्मा रेडी हो गया और ये शॉर्मा अभी हम अंदर बैठ के वहाँ शॉर्मा खाएंगे। शॉर्मा आ चुका है, बस दो शॉर्मे क्यों आपने कहा? हाँ तो आ रहे होंगे ना, तो अभी जैद भाई अंदर आ रहे हैं, मैं उनको भी दिखाता हूँ फिर वो बाहर चले आते हैं जब मैं वीडियो आता हूँ। भाई जो है आ चुके हैं वो ये रहे भाई, जब मैं वीडियो बनाता हूँ बाहर चले आते हैं। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक और तीन स्वाद में मंगवा लिए, दो तो पहले अब तीन हो गए। अभी घर जा रहे थे लेकिन जैद भाई ने कहा नहीं आइसक्रीम भी खाएंगे, और आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं, वो आइसक्रीम भी लेने गए हैं, सब जैद भाई आइसक्रीम ले रहे हैं तो वहीं पे ही चलते हैं। चलो कि आपको ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, अगर दिन होता तो मैं आपको अच्छे से घुमा फिरा देता, तो खैर आपको चलो फिर दिखाएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट।